in order to carry the qualitative analysis of any electrolytic cell, we have got the concept of electrochemical series. In order to carry the qualitative analysis of any electrolytic cell, we have got the concept of electrochemical series. अब यह सीरीज कहां से आई, कैसे आई, किसने बनाई, किस तरह से बनाई, इस समय हमारा मुद्दा यह नहीं है। डेफिनेटली इन सब बातों को हम सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे, बट नॉट एट दिस स्टेज। इस बात को हम सीखेंगे ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंतिम में, जब हम गैल्वेनिक सेल सिखा चुके रहेंगे। गैल्वेनिक सेल सिखाने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई है, किस तरह से बनाई गई है, किसने बनाई है, सारी बात उस समय बताऊंगा। अभी मैं इन सब बातों पर जाने के बजाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन को इस आर्टिकल में समझाऊंगा। नाउ व्हाट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज, वी हैव गॉट नंबर ऑफ रिड्यूसिबल स्पेशस। हमारे पास ढेर सारे रिड्यूसिबल स्पेशस हैं। रिड्यूसिबल स्पेशस में मैं कुछ कहूं तो सोडियम आयन रिड्यूसिबल है, मैग्नीशियम आयन रिड्यूसिबल है, क्लोरीन गैस रिड्यूसिबल है, हाइड्रोजन गैस या एच पॉजिटिव आयन रिड्यूसिबल है, ढेर सारे हमारे पास में रिड्यूसिबल स्पेशस हैं। इन सभी रिड्यूसिबल स्पेशस का रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, एंड द टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिबल स्पेशस इज टर्म्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी रिड्यूसिबल स्पेशस का रिड्यूस होने की टेंडेंसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसी तरह से ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल स्पेशस हैं, और जितने भी ऑक्सीडाइजेबल स्पेशस हैं उनका कुछ ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है, एंड देयर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं समझाता हूं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजेबल स्पेशस है, और मैग्नीशियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, जबकि मैग्नीशियम आयन यह रिड्यूसिबल स्पेशस है, और इस मैग्नीशियम आयन की कुछ रिड्यूस होने की इच्छा होगी। मैग्नीशियम आयन के रिड्यूस होने की इच्छा को हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी को हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। हम कहते हैं जितने भी ऑक्सीडाइजेबल स्पेशस हैं उनका कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किसी ना किसी तरह से मेजर करा जा सकता है। इसी तरह से जितने भी रिड्यूसिबल स्पेशस हैं उनका कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करा जा सकता है। आगे जाकर हम उसको मेजर करना सीखेंगे। एक बात इधर और साफ है, मैग्नीशियम एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और मैग्नीशियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज इक्वल एंड अपोजिट विथ नेगेटिव साइन। मैग्नीशियम
एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि एक्स है, मैग्नीशियम एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि एक्स है, तो मैग्नीशियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस एक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, बाय मैग्नीट्यूड ये दोनों हमेशा सेम है। तो हम दोनों की बातचीत नहीं करते हैं। IUPAC had suggested that let's discuss only in terms of reduction potential. IUPAC had suggested यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में और रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क है, तो आप दोनों की चर्चा करके कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। उस कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए they had suggested that let's always communicate in terms of reduction potential. जब भी कोई डेटा आपको बोलना है तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बोलिए। सुनने वाला यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानना चाहता है तो अपने आप वो माइनस लगा के उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना लेगा, मगर हमेशा कम्युनिकेशन रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही करा जाए। अब जितने भी रिड्यूसिबल स्पीशीज है उन सब का कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और उस रिड्यूस होने की टेंडेंसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और उस रिडक्शन पोटेंशियल को हमने किसी ना किसी तरह से डिटरमाइन कर लिया है। सभी रिड्यूसिबल स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन कर लिया गया है, और उन सभी को इंक्रीसिंग ऑर्डर में टैबुलेट कर दिया गया है। दैट टैबुलेशन ऑफ ऑल द रिड्यूसिबल स्पीशीज इन इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज टैबुलेशन ऑफ ऑल रिड्यूसिबल स्पीशीज इन इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। मैं दोबारा बोल दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज टैबुलेशन ऑफ ऑल रिड्यूसिबल स्पीशीज इन इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब वैसे तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 250-300 से भी ज्यादा स्पीशीज टैबुलेटेड हैं, मगर हमें उन सभी 250-300 स्पीशीज के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ 10-12 स्पीशीज इंपॉर्टेंट हैं जिनकी रिलेटिव पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम सभी को पता होना अनिवार्य है। मैं सिर्फ वही 10-12 स्पीशीज उनके रिलेटिव ऑर्डर में लिखूंगा, और इन 10-12 स्पीशीज का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिलेटिव ऑर्डर आप सभी को बड़े ध्यान से देखना है। अभी जो आप आगे मैं सिखा रहा हूं उसमें अप्लाई करना है, और आप जब अप्लाई करोगे तो अपने आप यह ऑर्डर आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। वंस अगेन, अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो 10-12 स्पीशीज लिखने जा रहा हूं, वी डू नॉट नीड टू मग अप देयर एग्जैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। हमें उनकी एग्जैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को रटने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी आवश्यकता होगी, जहां पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, वहां पर हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाएगी। मगर ये जो अभी हम करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, इस क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्पीशीज का रिलेटिव पोजीशन पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है लिथियम आयन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है लिथियम आयन और सबसे नीचे है फ्लोराइड आयन।
इसका मतलब लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इसका मतलब लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे अधिक है। फ्लोराइड आयन सबसे नीचे है, इसका मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और फ्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है। अब इसी बात से थोड़ा हम कंक्लूजन ड्रॉ करें। लिथियम आयन जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें सबसे ऊपर दिख रहा है, जिसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसीलिए नेचर में लिथियम कभी भी मेटालिक स्टेट में मिल ही नहीं सकता। नेचर में लिथियम हमेशा लिथियम आयन के फॉर्म में, समुद्रों में लिथियम सॉल्ट के फॉर्म में ही मिलेगा। और फ्लोराइड फ्लोरीन हमेशा फ्लोराइड के फॉर्म में ही मिलेगा। मैं बाकी के 10 स्पीशीज और लिख देता हूं। पहले लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे जिंक, जिंक के नीचे एच पॉजिटिव और एच पॉजिटिव के नीचे है कॉपर आयन, देन सिल्वर आयन, देन क्लोराइड, देन हाइड्रोक्सिल, देन नाइट्रेट, देन सल्फेट। लेट मी, सबसे ऊपर लिथियम आयन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन एच प्लस, देन कॉपर आयन, देन सिल्वर आयन, देन क्लोराइड, देन हाइड्रोक्सिल, देन नाइट्रेट, देन सल्फेट एंड लास्टली फ्लोराइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यह 12 स्पेशीज जिन्हें मैंने उनके रिलेटिव ऑर्डर में जमा रखा। यू नीड टू मेमोराइज दिस ऑर्डर। अभी मेमोराइज करने का प्रयास मत करो, ऑटोमेटिकली अभी हम इतनी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अपने आप ये ऑर्डर मेमोराइज हो जाएगा। सबसे पहली बात, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे अप्लाई करेंगे यह समझाना चालू करूं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इट्स इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इट्स इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल एंड हियर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम कहते हैं ऊपर वालों की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यह मैंने अभी अभी बताया। एट एनोड वी ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन, हम उसे सुधारते हैं। एट एनोड वी ऑलवेज हैव प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन, एट एनोड वी ऑलवेज हैव प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन। What do you mean by this? If we have got two or more than two species migrating at anode,
then not all the species would get oxidized. Only that species which have got higher oxidation potential value will get oxidized. Only that species which have got more tendency to get oxidized will get oxidized at anode. मैं दोबारा समझाता हूं, हम अब सिर्फ यह बात ध्यान नहीं रखे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हम इस बात को समझे कि एनोड पर जो भी जाएगा हर किसी का ऑक्सीडेशन नहीं होएगा। एनोड पर दो या तीन या चार स्पीशीज जा सकते हैं, मगर उन सभी स्पीशीज में से सिर्फ एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा, और उस एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी ऑक्सीडाइज होने की इच्छा ज्यादा है, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वह ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह से अभी अभी हमने कहा एट कैथोड वी हैव रिडक्शन, नहीं गलत, अब हम इस बात को सुधारते हैं, हम कहते हैं एट कैथोड वी ऑलवेज हैव प्रेफरेंशियल रिडक्शन। What do you mean by this? भाई कैथोड पर दो या दो से अधिक भी केटायन माइग्रेट कर सकते हैं, वहां पर अलग अलग तरह के तीन चार केटायन हो सकते हैं और वो सारे के सारे केटायन कैथोड पर जा सकते हैं, तो क्या सारे ही केटायन रिड्यूस होंगे? नहीं, कैथोड पर वह केटायन रिड्यूस होएगा जिसकी रिड्यूस होने की इच्छा ज्यादा, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, जिसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। कहीं पर भी यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले स्पीशीज पहले ऑक्सीडाइज होंगे, और कहीं पर भी यदि रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाले स्पीशीज पहले रिड्यूस होंगे। वी यूज टू से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बड़े ध्यान से देखते हुए, इसमें अलग अलग स्पीशीज की रिलेटिव पोजीशन को समझते हुए, हम एनोड पर ऑक्सीडाइज होने वाले स्पीशीज को देखेंगे और समझेंगे, और कैथोड पर रिड्यूस होने वाले स्पीशीज को देखेंगे और समझेंगे। क्यों ना मैं अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन पहले समझाना चालू करता हूं। कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी समय हम देखते हैं और उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करके देखते हैं। तीन चार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं करके दिखाता हूं, फिर सात आठ इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको दूंगा और उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको करना होगा। इसी समय देखिए, सबसे पहला इसी समय देखते हैं, बड़ा साधारण सा सिंपल सा सेल सबसे पहले लेता हूं। लेट अस टेक मोल्टन NaCl। Molten NaCl dipped with platinum electrode applied with DC potential। यह platinum electrode और molten NaCl लिया गया। हम जरा सोचते हैं कि इसमें किस तरह की केमिकल रिएक्शन होगी। शायद ये सबसे सिंपल सेल मैंने अपने लिए ले लिया है। मोल्टन NaCl का मतलब है बहुत हाई टेम्परेचर पर NaCl को रखा गया, हीट करा गया इतने हाई टेम्परेचर पर कि वह मेल्ट डाउन हो गया और मोल्टन स्टेट में आ गया। कोई पानी नहीं है, कोई दूसरा मीडियम नहीं है वहां पर। अब इस मोल्टन स्टेट में सिर्फ दो ही आयन दिखेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। जैसा मैंने कहा है, वन शुड ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। हमेशा सबसे पहले एनोड रिएक्शन एनालाइज की जानी चाहिए, एनोड रिएक्शन ही सबसे पहले लिखी जानी चाहिए। एनायन माइग्रेट टुवर्ड एनोड, वहां पर सिर्फ एक ही एनायन है क्लोराइड आयन, यह एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। केटायन माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, एक ही केटायन है सोडियम आयन, यह कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। सबसे पहले मैं
एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्लोराइड आयन के साथ, वह लिखता हूं, क्लोराइड आयन एनोड पर जाएगा और एनोड पर यह अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ सीएल टू। दिस वुड बी द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस एट एनोड। यह एनोड पर होना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्लोराइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया और अब हम कैथोड पर होने वाली रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पर सोडियम आयन जाएगा, सोडियम आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा और सोडियम मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। इन दिस मैनर सोडियम आयन वुड गेट रिड्यूस एट कैथोड, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं वहां पर। दिस इज द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस एट कैथोड। ओवरऑल वहां पर जो रिएक्शन होगी, दैट इज सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन गिव यू मेटालिक सोडियम प्लस क्लोरीन गैस और NaCl वुड गिव यू सोडियम प्लस Cl2। ध्यान रहे, इस तरह का फिनोमेना कोई स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली अपने आप कभी नहीं हो सकता। NaCl अपने आप सोडियम मेटल या क्लोराइड क्लोरीन गैस कभी नहीं दे सकता। वो तो यह बैटरी है, यह डीसी बैटरी है जिसने इस फिनोमेना को होने पर करने पर मजबूर कर दिया, सोडियम को रिड्यूस होने पर मजबूर कर दिया और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज होने पर मजबूर कर दिया। जब यह फिनोमेना हुआ तो इस बैटरी के अंदर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हुई है और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यह रिएक्शन हो रही है। लेट्स रिप्रेजेंट दिस सेल इन अ सिंगल लाइन। इस सेल को हम सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरह से। प्लेटिनम एनोड पर क्लोरीन गैस इज द प्रोडक्ट विथ मोल्टन NaCl, कंसंट्रेशन टेम्परेचर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सोडियम इज द प्रोडक्ट एट प्लेटिनम कैथोड। This is the representation of this electrolytic cell. अब सबसे पहला सेल सबसे साधारण सेल था, मैं अगला सेल लेता हूं। इसी सेल में हल्का सा परिवर्तन कर देता हूं, इलेक्ट्रोड में कोई फर्क नहीं, वही प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लेता हूं और उस पर डीसी बैटरी के द्वारा पोटेंशियल भी बिल्कुल उसी तरह से। यह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और डीसी बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट में भी कोई फर्क नहीं, NaCl। फर्क कर देता हूं तो सिर्फ मीडियम में, इस बार मैं एक्वस NaCl ले लेता हूं। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस अब हम करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर ही। हम जरा सोचें, एक्वस NaCl मतलब क्या? इट्स ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब भाई पानी लिया, पानी के अंदर NaCl डिसॉल्व कर दिया। इस तरह का सॉल्यूशन आप आए दिन घर पे बना सकते हैं, गार्गल करने के लिए जो सॉल्यूशन बनाते हैं नमक के पानी से, हम जो करते दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन में दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इमर्स कर दी और डीसी बैटरी लगा दी। नाउ वी आर कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलिसिस। अब जरा सोचिए क्या होगा इस बार। इट्स नॉट द सेम फिनोमेना, पूरी रिएक्शन बदल जाएगी। मोल्टन स्टेट में जो रिएक्शन हो रही थी वह नहीं होगी। इस बार वहां पर NaCl से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो है ही जो NaCl से आ रहे हैं, इसके साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन होने की वजह से वहां पर
वाटर भी है और वाटर से आने वाले एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव भी है। अब जरा सोचिए, वंस अगेन एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन हमें लिखनी है। सबसे पहले हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी जानी चाहिए, सबसे पहले हमेशा एनोड रिएक्शन लिखी जानी चाहिए। एनोड पर हमेशा एनायन जाते हैं, वहां पर इस बार दो एनायन है। एक तो हमें दिख रहा है हाइड्रोक्सिल आयन और एक हमें दिख रहा है क्लोराइड आयन। दोनों एनायन एनोड की तरफ जाएंगे। क्लोराइड आयन जो कि NaCl से आया है, हाइड्रोक्सिल आयन जो कि वाटर से आया है, यह दोनों एनायन एनोड की तरफ जाएंगे। दोनों एनायन ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। क्या दोनों ऑक्सीडाइज होंगे? नहीं। एट एनोड वी ऑलवेज हैव प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन। द प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दैट एनायन विच हैव गॉट मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, विच हैव गॉट मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? द स्पीशीज will have more oxidation potential if it is having its position higher in electrochemical series. Electrochemical series में अब हम देखें, क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल को हमें कंपेयर करना है सर, क्योंकि एनोड पर से यही दोनों जा रहे हैं। क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल को जो हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्लोराइड आयन ऊपर है। क्लोराइड आयन ऊपर है मतलब क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लोराइड आयन विल गेट प्रेफरेंस, क्लोराइड आयन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। इस जगह पर हाइड्रोक्सिल आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। एट एनोड क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होएगा और क्लोराइड आयन हमेशा इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस के बबल्स निकलते हुए हमको दिखेंगे एनोड के चारों तरफ। अब हम जरा सोचते हैं कैथोड के बारे में। वंस अगेन वहां पर दो कैटायंस है, दो कैटायंस वहां पर हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो H पॉजिटिव आयन दिख रहा है और एक सोडियम आयन दिख रहा है। दोनों कैटायन कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैटायन का रिडक्शन होता है। क्या दोनों कैटायन का रिडक्शन होगा? नहीं। कैथोड पर प्रेफरेंशियल रिडक्शन होता है, उसका रिडक्शन होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। हमें कंपेयर करना है सोडियम आयन में और H पॉजिटिव आयन में। H पॉजिटिव आयन नीचे है मतलब H पॉजिटिव आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन की रिड्यूस होने की इच्छा ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा कैथोड पर। देखिए पहले कैथोड पर सोडियम आयन ही रिड्यूस हुआ था क्योंकि वहां पर कोई चारा ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा आयन ही नहीं था। मगर इस बार जब H पॉजिटिव आयन है तो सोडियम आयन रिड्यूस नहीं हो पाएगा, H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा। H पॉजिटिव आयन वुड गिव यू वुड एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड गिव यू हाफ H2। दिस वुड बी द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस एट कैथोड। एनोड पर यह रिएक्शन हुई, कैथोड पर यह रिएक्शन हुई। ओवरऑल वहां पर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल गिविंग यू हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। क्या H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इन दोनों को जोड़ के HCl लिख सकते हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं। यू कैन नेवर राइट H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इक्वल टू HCl।
क्योंकि क्या हम सॉल्यूशन में HCl ले रहे हैं, क्या हम HCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? नहीं, हम HCl का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं। रिएक्टेंट साइड HCl कभी भी अपीयर नहीं हो सकता। रिएक्टेंट साइड जो अपीयर होना चाहिए वह वही कंपाउंड, वही रिएजेंट अपीयर होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलिसिस में लिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में NaCl लिया जा रहा है और एक्वस कंडीशन ली जा रही है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड NaCl अपीयर हो सकता है या वाटर अपीयर हो सकता है, HCl अपीयर नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट बनाने के लिए, दोनों तरफ हम OH नेगेटिव ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ हम OH नेगेटिव ऐड कर देते हैं। ये वही OH नेगेटिव है जो क्लोराइड आयन के साथ में गया तो था एनोड पर, मगर ऑक्सीडाइज नहीं हो सका। हम दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। ये वही OH नेगेटिव है जो एनोड पर गया था मगर जिसका कुछ भी नहीं हुआ, जो ऐसा का ऐसा ही इंटैक्ट है सॉल्यूशन के अंदर। हम दोनों तरफ सोडियम आयन ऐड कर देते हैं। ये वही सोडियम आयन है जो एच पॉजिटिव आयन के साथ में कैथोड पर गया तो था मगर रिड्यूस नहीं हो सका। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव दैट इज वाटर, सीएल नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव दैट इज NaCl। वाटर और NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है और वाटर और NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से NaOH बन रहा है, NaOH बन रहा है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस एनोड पर लिबरेट हो रही है। दिस इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यह रिएक्शन हो रही है। आप देखें मीडियम के बदल जाने से किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन बदल गई। खास बात, ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली कभी नहीं होती, अपने आप कभी नहीं होती है। घर पे जब आप पानी के अंदर NaCl डालते हो तो क्या ऐसा कुछ होता है? क्या वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती दिखती है? क्या वहां क्लोरीन गैस निकलती दिखती है? क्या वहां NaOH बनता है? कभी नहीं। घर पे पानी के अंदर जब आपने NaCl डाला तो पानी और NaCl ब्राइन सॉल्यूशन है, पी जाओ बस। तो मगर यदि उसमें आपने इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करना चालू कर दिया, इस तरह से यदि आपने बैटरी लगा दी और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लगा दिया तो वहां पर यह फिनोमेना होने लगेगा। कैथोड पर एनोड पर आपको क्लोरीन गैस लिबरेट होती दिखेगी, कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई दिखेगी और सॉल्यूशन के अंदर आपको NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। वह सॉल्यूशन धीरे धीरे कड़वा होने लगेगा। NaOH कड़वा होता है, अल्कली यार बिटर, कड़वे होते हैं। वो सॉल्यूशन धीरे धीरे पानी में NaCl नमकीन होता है, टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, मगर ये NaOH कड़वा होता है। यदि NaOH पानी के अंदर होगा तो कड़वा लगेगा, अल्कली यार बिटर इन टेस्ट। वहां पर सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होंगे, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, उस सॉल्यूशन का pH 7 से इंक्रीज होने लगेगा, 7 से इंक्रीज होकर 14 की तरफ जाएगा, वह सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा। आई मे ऑलवेज राइट रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेल। इस सेल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं सिंगल लाइन में, प्लैटिनम एनोड पर क्लोरीन गैस इज द प्रोडक्ट, एक्वस NaCl एट सम कंसंट्रेशन एंड लेट अस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकता है 0.1 0.2 0.3 मोलर, हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट एट प्लैटिनम कैथोड। आई मे राइट दिस सेल रिप्रेजेंटेशन इन दिस मैनर, इस तरीके से इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ द सेल रिएक्शन
and the cell representation had changed when we changed the medium of the electrolysis. Molten medium mein reaction kis tarah se alag thi aur aqueous medium mein kis tarah se reaction mein farak aa gaya. Observe the preferential oxidation. Observe the preferential reduction. दो या दो से अधिक स्पीशीज के जाने पर